On a cold winter's evening, a well-built, broad-shouldered young man stood outside the door of a Rajouri Garden bungalow in New Delhi. Alongside was his uncle. Harry, the young man in question, was nervous. He could not forget the image of the beautiful young girl he saw in the morning at the Gurdwara. अंदर ही अंदर तो मुझे अच्छी लग रही थी, मुझे लगा बस बात बन गया कि इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बस। मैंने फिर अपने डैड से बोला कि आई वांट टू टेक हर आउट टू द सम रेस्टोरेंट। वहाँ पर हम मिले, हम दोनों ने बातचीत की एंड मैंने हैरी से पूछा कि डू यू ड्रिंक, ही सेड या ओकेजनली, आई सेड ओके, ही सेड डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, आई सेड नो दैट्स मोर देन इनफ। But sorry, I forgot to tell you that time the occasion comes every day. वो जो दो दो तीन बातें एकदम देखने में मालूम चलती हैं वो मुझे लग गई थी। तो जब हम वापस आ रहे थे तो टैक्सी में इसने मुझे बोला कि ऐसा है कि मैंने एक बात बोलनी है, मेरे को बताओ। She said कि मैं actually I don't want to get married yet. So once we go there, You tell my parents, मैंने इसको लाइक नहीं किया कि मैंने इसको लड़की को पसंद नहीं किया तो इसको आप मैं शादी नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है, पर वहाँ जाके मैंने अपने डैड को साइड पे ले गया, मैंने कहा नहीं मुझे लड़की पसंद है, आप इसको हाँ करो। तो मैं मेरे डैड ने फिर उसके अंकल के साथ बात की, वो कहते हैं आई थिंक दे बोथ लाइक ईच अदर, सो लेट्स आप हमारे घर चलें, वहाँ चल के इनका रोका करते हैं। तो उसके बाद मतलब हमारे घर में तो यही चल रहा था कि मैंने घर जाके बोल दिया कि मैंने शादी नहीं करनी है। तो फिर रूबी के दादाजी ने मुझे इंडिया भेजा कि तू इंडिया जा कर सारा कुछ देख और शादी के बाद वापस आ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली फ्लाइट पकड़ी एंड ही केम टू दिल्ली। फिर वहाँ गया, मेरी इंडिया विजिट का किसी को पता नहीं था। सुबह 6 बजे वो आए घर पे, कहते हैं क्या बात है शादी नहीं करनी है। तो मैं तब उनसे इतना डरती थी, मैंने कहा नहीं हाँ करनी है, आपको किसने बोला नहीं करनी है। फिर मैंने रूबी को ये कहा था कि अभी तू शादी के लिए अगर तैयार नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं हैरी को भी बुलाता हूँ, मैं फिर कहीं बैठ जाऊँगा, आप दोनों जने 1-2-3 घंटे अकेले घूमना, फिर आप मुझे बताना कि सब ठीक है या नहीं। तो बस ऐसे ही मेरे अंकल के आने से सब कुछ सेटल हो गया। तो देन आई सेड यस। आफ्टर द हल्ला गुल्ला फिनिश्ड एंड द ना टर्न्ड फर्मली टू हां, This was a delightful time of courtship and discovery of each other, as well as the city, well known for its eating out and gardens. The marriage and festivities went off well. This was in the February of 91. And soon Harry moved back to Canada. He landed in Toronto. After doing a few odd jobs, he decided to open his own business. Ruby joined him within the year. Both worked very hard and enjoyed the support of the community as well as financial success in their furniture store in Gulf. And I used to work 7 days. Actually, we have seen a lot of hardships. Hardships kabhi hame isliye bhi nahi lagi because we were very much together. Without her, I think jo kuch bhi business mein kiya maine shayad mushkil hota mere liye ki store pe bhi kaam karo, ghar pe bhi ja ke kaam karo, khana banao, sab kuch bana ke सबका डिनर भी रेडी करना। और मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर हैरी की वजह से मैंने अपनी बहुत ऐसी तैसी करवाई है लाइफ में। In 1995, their son's birth was a high point of their married life. जिस करण जी आए हैं, we were very happy. तो करण हुआ, इट वॉज अ बिग थिंग इन आर फैमिली एंड हिज फैमिली टू, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न। 5 मिनट के अंदर जितने हमारे समझी थे
सबके घर में खबरें पहुंच गई, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर, अमृतसर, यानी कोई ऐसा रिश्तेदार थी कि चलो सरदार जी दे भगवान सिंह जी दे घर पोतरा होए। He has since grown up to be an unusually mature young man and is now pursuing a course in business management as applied to land development. My parents believe I'm the blessing, but truly and honestly, they are the blessings in my life for everything they have done, the way they help me out, and the way they're willing to just be there for me no matter what I want to do or what I'm doing in my life. The success of their first venture and the confidence of their customers encouraged Harry and Ruby to diversify into owning and operating gas stations. Years of hard work followed, taking risks and being adventurous in their private lives as well as business life. To now, where Harry is involved in the niche market of building and selling gas stations. We've known Harry and Ruby from the last 4 years, a great couple. And later, Harry and myself also become a business partner. He's very honest, very straightforward, somebody I can rely on it. This leaves them with more time to follow their passion, to give back to society through their association with the Lions Club. This Lions Club, we have a lot of good friends. Because of them, we travel to Toronto even twice a week. So we are very blessed. We met Ruby and Harry in golf, always fun or making programs. Ek din we just decided recently ki bhi na chalo let's go for a trip. So oh kehnde nahi maybe nahi ja paawange apa is time te, until the end they keep on saying ki nahi yaar assi nahi ja sakde kyunki we have something. And then you know what happened, we were at the airport just about to board the plane and these guys joined us. They said see. We have countless memories in this 25 years. Yeah, the best part of these 25 years, he gave me a surprise. He booked a trip to Italy and Greece. बहुत सी अच्छी जगह देखी और बहुत से अच्छे मोमेंट्स साथ में बिताए. ये भी कहना पड़ेगा कि एक बारी फिर से ऐसा लगा हम 25 साल पीछे फिर से पहुंच गए. सो रूबी ने भी मुझे सरप्राइज तो बहुत दफ़ा किया है, ऑलमोस्ट एवरी डे करती, कभी अपने गुस्से से और कभी प्यार से सरप्राइज़ मैं रोज़ होता हूँ. जो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट रहा है 2007 में जब मेरा बर्थडे था, सुबह मैं रेडी होकर अपना काम पे जाने के लिए जब बाहर निकला अपने ड्राइविंग, मैंने कहा ये मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई, वो मेरा फ्रेंड क्या मुझे मिलने आया. उसके बाद मैंने उसके ऊपर हेलमेट रखा हुआ देखा, देन आई न्यू कि मैंने रूबी से 2-3 दफ़ा बात की है कि मैं ये मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ. तो दैट वॉज़ द बिगेस्ट surprise gift or most loved gift I ever got it from her. Time passed, not without its ups and downs, but they always had each other and their family with them. In this exciting roller coaster of a ride they embarked upon 25 years ago. Jo anger wali baat hai wo ek जो बॉलीवुड मूवीज़ में चलती है टर्म एंग्री यंग मैन वाली, वो तो मैंने अमिताभ बच्चन के लिए बहुत सुनी थी, पर मुझे रूबी से मिलके मालूम चला कि एंग्री यंग वूमेन कौन सी होती है. आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड दीज पीपल हैव ऑलवेज इंस्टिगेटेड मी लाइक यू नो कि इसको गुस्सा चढ़ाए और ये बोले. वो पॉइंट सिर्फ मुझे मालूम है कि कैसे रूबी को छेड़ना है. देन रूबी गोज आउट फॉर लाइक इन 2 सेकेंड्स. लेकिन जब इन्होंने मेरा गुस्सा देखा है कि मैं चीज़ें तोड़ने पे आ जाती हूँ, इनके घर का नुकसान कर देती हूँ. उसके बाद तो मुझे देखना पड़ता है घर के दरवाज़ा किस तरफ और मैं बाहर निकलूँ, पर शी काम्स डाउन वेरी क्विकली टू. एज अ कपल आई थिंक देयर लव इज ग्रोइंग डे बाय डे. फैमिली के साथ ऑलवेज बहुत जुड़े रहते हैं. मेरे बच्चों को ऐसा सुख मिले जो दुनिया के विच हर सुख है. Ruby Mommy and Dippy Mommy, you guys are a very cute couple. She's just always laughing. She's always a jolly type of person. Namaste bhi rehte hain. Dono bahut acche ho. Surprises hamesha dete rehna. The journey of two souls
is made possible by the love and support of numerous family and friends. कहते हैं ना, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. We want to thank you all our family, friends back home in India, here in Canada, for giving us such a wonderful journey because of you guys, because of Harry. Thank you everyone. Thank you to all the family, friends, near dears in India, over in Canada, everywhere in the world. Thank you. Thank you so much. And thank you, Harry.